दक्षिण पूर्वी फ्रांस के सेंट क्वेंटिन फ्लेवर में स्थित एक गैस फैक्ट्री में शुक्रवार को आतंकी हमला हुआ। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमलावर ने एक शख्स का सिर कलम कर दिया। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। शुरुआती खबरों के अनुसार हमलावर के हाथ में इस्लामिक झंडा था। ललित मोदी की मदद करने के आरोप में फंसी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस्तीफे को लेकर भाजपा असमंजस में है। कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार तीखा हमला कर रही है और राजे का इस्तीफा मांग रही है। इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने साफ कर दिया है कि किसी का इस्तीफा नहीं होगा। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर वोट के बदले लालच देने का आरोप लगाया है। अपने फेसबुक अकाउंट पर उन्होंने एक ऑडियो क्लिप जारी की है। उधर बीजेपी ने आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि ऑडियो क्लिप में जिस आवाज को शिवराज सिंह चौहान की आवाज होने का दावा किया जा रहा है वह उनकी नहीं है। यदि निर्धारित ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो अब इसकी सूचना यात्रियों को उनके मोबाइल फोन्स पर टेक्स्ट मैसेज के द्वारा दी जाएगी। रेलवे ने किसी भी तरह की असुविधा की स्थिति में यात्रियों की मदद करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया है। शुरुआत में ये सर्विस केवल प्रारंभिक स्टेशन पर पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन के लिए उपलब्ध होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज कहा कि अगर विपक्ष नियम उल्लंघन संबंधी सबूत दे तो सरकार उन आरोपों की जांच कराने के लिए तैयार है जिनमें कहा गया है कि पंकजा मुंडे के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग ने बिना निविदा आमंत्रित किए 206 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया था। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि हम वैश्विक मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें केंद्रीय बैंकों द्वारा वैश्विक नियम बनाने के लिए जोर देना चाहिए। बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर और उनकी मंगेतर मीरा राजपूत अगले महीने शादी कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक उनकी शादी 7 जुलाई को दिल्ली में होगी। शादी के बाद ग्रैंड रिसेप्शन 12 जुलाई को मुंबई में होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिल्म मोहल्ला 80 को लेकर केंद्र सरकार तथा सेंसर बोर्ड को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस पर कोर्ट ने 30 जून का जवाब भी मांगा है। फिल्म 28 जून को रिलीज होनी है। फिल्म साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता काशीनाथ सिंह की पुस्तक काशी का 80 विशेष रूप से उसके अध्याय पांडे कौन कुमति तोहेन लागी पर आधारित है।